गे-लुसेक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ ऑफ गैसेस को इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट कैसे ओरिजिनेट होता है। नमस्ते, मेरा नाम मदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, रोल ऑफ गैस लॉज इन एलुसिडेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब आपने देखना है कि जो गैस लॉज हमने पढ़े हैं ना, क्या जो गैस लॉज हमने पढ़े हैं ये मॉलिक्यूल की डिस्कवरी में इन्होंने कैसे योगदान दिया था कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता होता है। ठीक है, तो इसके लिए भाई, क्योंकि आपने एक होता हमारे पास, एक हमारे पास होता है लॉ ऑफ, हमारे पास गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम था ना, जो क्या कहता है कि जब गैसेस आपस में क्या करती हैं, कंबाइन करती हैं, तो वो ऐसा करती हैं कि देखो आपके दिमाग में मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट आप यहाँ से इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि मॉलिक्यूल बनता है। अदरवाइज हम क्या मानते हैं, सबसे इंडिविजुअल पार्टिकल कौन सा मान लिया करते हैं, पहले सबसे पहले एटम को मान लिया करते ना, कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। और डाल्टन थ्योरी क्या बोलती है, एटम हमेशा होल नंबर में क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, इजंट इट। तो गैसेज लॉ का जो वॉल्यूम था, सॉरी गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, बताओ क्या किया करता, क्या क्या करता, कि गैसेस आपस में रिएक्ट करती हमेशा सिंपल रेशियो में, इजंट इट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन, मेरे पास क्या है भाई, प्लस में क्या है मेरे पास, क्लोरीन। अब मुझे पता नहीं, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर हाइड्रोजन, मुझे नहीं पता इसका एटम होता है कि मॉलिक्यूल होता, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि अमोनिया, मुझे पता है हाइड्रोजन प्लस, बताओ दो मोल, सॉरी तीन मोल हाइड्रोजन, दो लीटर नाइट्रोजन, दो लीटर नाइट्रोजन प्लस, बताओ क्या क्या, तीन लीटर हाइड्रोजन क्या बनता है, दो लीटर अमोनिया, तो रेशो क्या है, सिंपल रेशो नहीं है क्या। और HCl में क्या होता है, एक लीटर हाइड्रोजन करती रिएक्ट किससे हमेशा, एक लीटर हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करती है, एक लीटर क्लोरीन से, और क्या बनाती, दो लीटर HCl गैस। ठीक है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनेगी, बताओ दो लीटर क्या बनेगी, बताओ दो लीटर क्या बनेगी, हाइड्रोक्लोराइड गैस। ओके, तो अब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो ये तुम्हारा क्या है, गे-लुसेक्स लॉ है। अब एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, अगर टेम्परेचर प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे ना। अब अगर मान लिया ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, यानी कि हाइड्रोजन भी क्लोरीन भी और हाइड्रोक्लोरिक, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड भी, बोलो भाई, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, ये तीनों ही क्या है, सेम चैम्बर में है, तो इनका टेम्परेचर क्या है, सेम, इनकी वॉल्यूम भी क्या है, सेम, इजंट इट। अरे बोलो भाई, इनकी टेम्परेचर क्या, इनका सेम, वॉल्यूम सेम इनकी नहीं ना, अरे बोलो भाई, क्योंकि सॉरी, अरे मैं सेम चैम्बर में नहीं भाई, तो बताओ, क्योंकि इसका मैंने कह लिया था एक लीटर, ये मैंने कह ली थी, लेकिन वो क्या बनती है, दो लीटर बन गई भाई, सेम टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर अपने सेम रखना है। तो मुझे पता है कि जितने पार्टिकल किसमें होंगे,
उतने पार्टिकल किसके होंगे? क्लोरीन के, और उससे दोगुने पार्टिकल क्या होंगे? HCl के, है ना। तो मैंने ये मान लिया किसके क्या है, N पार्टिकल है, क्या इसके N पार्टिकल है, तो इसके भी क्या होने चाहिए, क्लोरीन के भी N पार्टिकल, तो उसे क्या होने चाहिए 2N पार्टिकल, क्योंकि उसकी वॉल्यूम डबल है, तो उसे पार्टिकल्स का नंबर भी क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए ना भाई। अब मुझे ये नहीं पता ये पार्टिकल एटम है कि नहीं है। चलो हम पहले ही मान लेते हैं कि ये पार्टिकल क्या होता है, एक एटम। हम क्या मान लेते हैं पार्टिकल क्या होता है, एक एटम होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलूँगा कि एन पार्टिकल हाइड्रोजन के जुड़ते हैं, एन पार्टिकल क्लोरीन से, और क्या बनाते हैं 2N पार्टिकल। तो इसको मैं एन से भाग कर दूँ सबको, तो मेरे पास क्या जाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा एक पार्टिकल हाइड्रोजन का, एक पार्टिकल हाइड्रोजन का और एक पार्टिकल क्लोरीन का, है ना, क्या बनाएगा दो पार्टिकल HCl के, क्या भाई HCl क्या बनेंगे हमारे पास, दो पार्टिकल बनेंगे, isn't it। और मुझे अगर HCl का एक पार्टिकल बनाना हो तो मैं क्या करूं, इसको सारे किससे भाग कर दूं, दो से, तो मैं क्या कहूंगा आधा पार्टिकल हाइड्रोजन का, आधा पार्टिकल क्लोरीन का, तो क्या बन जाएंगे एक पार्टिकल HCl का। तो अब इसको आप पार्टिकल को आप एटम, पहले तो क्या मानो एटम, फिर क्या मानो एटम से बड़ी एंटिटी, क्या मानो भाई, अभी मैंने बात की पार्टिकल की, मैंने किसकी बात की है, तो आप समझ गए इस रिएक्शन में HCl के दो पार्टिकल तैयार करने के लिए, सॉरी HCl का एक पार्टिकल तैयार करने के लिए आधा पार्टिकल चाहिए मुझे हाइड्रोजन का और आधा पार्टिकल चाहिए मुझे क्लोरीन का। अब फर्ज करो ये पार्टिकल एटम है, फर्ज करो ये पार्टिकल क्या है, एटम है, तो आप क्या बोलोगे आधा एटम हाइड्रोजन का जुड़ता है आधा एटम क्लोरीन से, क्या बनता है एक पार्टिकल HCl का। लेकिन आपको पता है भाई ये डाल्टन थ्योरी अगेंस्ट है, आधा एटम कभी रिएक्ट नहीं करता, एटम एज होल रिएक्ट करता हमेशा, यानी कि हो, यानी कि इसका पक्की बात क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तव में ये पार्टिकल एटम नहीं है, यानी वास्तव में पार्टिकल क्या है, कुछ बड़ी एंटिटी है, है ना भाई, आधा पार्टिकल H का आधा पार्टिकल क्लोरीन का क्या बनाएगा एक पार्टिकल HCl बनाएगा ना। तो अगर मैं पार्टिकल क्या मान लेता हूँ एटम, तो आधा पर आधा एटम इसका, आधा एटम इसका, आधे आधे एटम जुड़ते हैं कभी, तो ऐसा हो गया हाइड्रोजन का एटम था आधा काट के, क्लोरीन का एटम आधा काट के और जोड़ दिए, क्या बन गया, ये तो होता ही नहीं भाई, तो उसके अगेंस्ट है, तो इसका मतलब होना हुआ जो पार्टिकल मैं ले रहा हूँ आधे आधे, ये क्लोरीन के सॉरी एटम नहीं है, एटम से बड़ी एंटिटी है। तो अगर मैं ये मान लूँ कि ये जो पार्टिकल है ये दो एटम का जोड़ा है, क्या है, नहीं है आपको, मैं क्या लूँ, मैं क्या मान लूँ भाई कि ये जो पार्टिकल क्या है, अगर मैं इसको मान लूँ कि ये दो एटम का जोड़ा है एक के लिए, तो क्या हो गया ये H और H, ये क्या हो गया, अगर मैं एक एक मानता हूँ, अगर मैं एक एक मानता हूँ इनको, मैं ये मानता हूँ इसका भी क्या था, मैं इसका ये मानता हूँ इसका भी क्या था, H एटम, H एटम, नहीं आपको, तो एक H एटम एक क्लोरीन, सॉरी एक H एटम एक क्लोरीन एटम, तो क्या बन गया दो H, तो मान लिया। लेकिन अगर मैं एक एक पे आऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा आधा एटम और आधा एटम इसका, तो बात बनेगी नहीं ना भाई। लेकिन मैं क्या मान लेता हूं कि वास्तव में क्या है ये H2 का जो पार्टिकल नहीं है उसका आधा है, ये आधा वास्तव में किसका है H2 नामक पार्टिकल का आधा है, तो एक एटम बन गया ना यहां पर, और ये भी क्या है Cl2, यानी इस पार्टिकल का आधा है, ये इसका आधा है, यानी कि ये पार्टिकल इस पार्टिकल का आधा है और ये आधा पार्टिकल वास्तव में, तो पूरे पूरे क्या बन जाएंगे यहां पर पार्टिकल आधा हो गया, इस पार्टिकल का आधा करने पर एटम आधा नहीं होगा, क्या होगा एटम तो पूरा ही बनेगा, मैं इसको आधा करता हूं तो आधा एटम बनेगा, मैं इसको आधा करता हूं तो एक एटम बनेगा,
नहीं आपको, तो इसे बस टू हुई, यानी कि आधा आधा, यानी कि एच टू का आधा पार्टिकल क्या हो जाएगा, एच सी एल टू का पार्टिकल क्या हो जाएगा, सी एल। तो पूरे पूरे एटम जुड़ गए, क्या बन गया, एच सी एल। तो इसे क्या हो गया, हो गया ना मॉलिक्यूल प्रूव। नहीं आपको ये मैंने आपको पढ़ा रखा, पहले पढ़ा रखा मैंने आपको, ये वहीं पढ़ा रखा है, कहाँ पर, चैप्टर वन के अंदर। लेकिन ये भाई, क्योंकि एनसीईआरटी ने स्पेशली मेंशन कर रखा है कहां पर, अरे अपने सिलेबस के अंदर, कि रोल ऑफ गैस लॉज इन एलुसिडेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इजंट इट। आ गया कोई, तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।